दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का निशान दबाना ना भूलें। दोस्तों आज की वैकेंसीज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक के लिए आई हुई है। टोटल वैकेंसीज 5,237 रखी गई है, जिसमें कि 694 यानी कि 694 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए रखी गई है। वैकेंसीज जूनियर एसोसिएट्स, कस्टमर सपोर्ट्स एंड सेल्स के लिए रखी गई है, जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27/4/2021 से शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट 17/5/2021 रखी गई है। ये वैकेंसीज ऑल इंडिया बेसिस पे रखी गई है। पूरे भारत से आप किसी भी एक स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आपको पढ़नी लिखनी बोलनी आनी चाहिए। दूसरा दोस्तों, इसमें इन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि देर इज नो प्रोविजन फॉर इंटर सर्कुलर ट्रांसफर और इंटर स्टेट ट्रांसफर फॉर जूनियर एसोसिएट्स टू बी रिक्रूटेड। जो भी रिक्रूटेड होते हैं, इसमें रिक्रूट होते हैं, उन लोगों को इंटर सर्कुलर ट्रांसफर और इंटर स्टेट ट्रांसफर का कोई प्रोविजन नहीं है। इस वैकेंसीज के लिए जो प्री एग्जाम होगा दोस्तों जून 2021, वो भी टेंटेटिव डेट रखी गई है, मंथ ऑफ जून, इसमें चेंजमेंट हो सकता है। और जो मेन एग्जाम होगा वहाँ होगा 31/7/2021, ये भी टेंटेटिव रखी गई है। इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, विजिट करना होगा बराबर, जिससे कि आपको इसकी सही डेट के बारे में पता लग सके। वेबसाइट तो दे हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 5,237 वैकेंसीज है और इंडिया से वैकेंसी रखी गई है। सबसे पहले यहाँ पे अहमदाबाद है, जो कि गुजरात स्टेट में है। भूतपूर्व सैनिकों का कॉलम यहाँ पे दिया गया है, इसमें XS जो है ये नॉर्मल भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, और जो डिसेबल एक्स सर्विसमैन है उनके लिए DXS रखा गया है। वैकेंसीज की बात करें यहाँ पे गुजरात में 90 वैकेंसीज नॉर्मल एक्स सर्विसमैन के लिए रखी गई है और 40 वैकेंसीज डिसेबल भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखी गई है। तो इसी तरह से दोस्तों आप हर स्टेट का चेक कर सकते हैं, अपने स्टेट का चेक कर सकते हैं जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं। तो टोटल वैकेंसीज की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो टोटल जो वैकेंसीज आ रही है यहाँ पे 488 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है और 206 वैकेंसीज जो भी डिसेबल एक्सेसमैन है उनके लिए रखी गई है। आप पूरा डिटेल्स चेक कर सकते हैं वैकेंसीज का, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। इस वैकेंसी की दोस्तों जो एज रखी गई है 20 साल से 28 साल होनी चाहिए। ये जो एज है सिविल के लिए है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो आपने सर्विस की है उसमें यदि आप जनरल हैं तो 3 साल जोड़ दें और उसको टोटल एज से माइनस कर दें तो आपकी एज 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और तकरीबन सभी एक्स सर्विसमैन इस रेंज में आ जाते हैं। जो भी डिसेबल पर्सन है या SC/ST है उनको 8 साल की यहाँ पर छूट दी जा रही है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन फीस नहीं रखी गई है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन रखा गया है, जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किया है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया है, जिनके पास आर्मी स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन में दोस्तों क्लियर लिखा गया, जैसे कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, मेट्रिकुलेट एक्सेसमैन हु हैव ऑब्टेन द इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट इन द नेवी और एयरफोर्स आफ्टर हैविंग कम्प्लीटेड नॉट लेस देन 15 ईयर ऑफ सर्विस इन द आर्मी फोर्सेज ऑफ द यूनियन आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द पोस्ट। सच सर्टिफिकेट शुड बी डेटेड ऑन और बिफोर 16/8/2021, उससे पहले का आपके पास आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा दोस्तों, उसमें सबसे पहले प्री एग्जाम होगा, जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज, साथ में न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क के होंगे। 1 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग रखी गई है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मेन एग्जाम होगा, उसका भी डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें कि जनरल पब्लिक फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क के, जनरल इंग्लिश का 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 60 नंबर के, टोटल 190 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क होंगे और 2 घंटे 40 मिनट का टोटल आपको टाइम दिया जाएगा। पे स्केल है लगभग 47,920 रुपये के करीब बैठती है। लगभग 700 वैकेंसी भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखी गई है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।